क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन एक बार फिर शुरुआती सेशन बेहद ड्रामेटिक रहा। जैसे तीसरे दिन लगातार विकेट्स गिरे, वैसे ही चौथे दिन भी विकेटों की झड़ी लगी रही। इस बीच भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल भी बोल्ड हो गए। पैट कमिंस की बेहद खतरनाक बॉल पर मयंक बोल्ड हुए। बेहद शानदार बॉल पर मयंक बोल्ड हुए, लेकिन मयंक को यकीन तक नहीं हुआ कि वो आउट हो गए, क्योंकि वो आउट नहीं होते तो बड़ा रिकॉर्ड भी बनाने वाले थे। तो आपको आखिर में इसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। असल में पारी का 33वां ओवर था और आखिरी बॉल पर मयंक पैट कमिंस के सामने थे। कमिंस की बॉल टप्पा खाने के बाद इतनी नीचे रह गई कि मयंक हैरान हो गए। यहां तक कि गेंदबाज को भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि बॉल बेहद नीची थी और मेलबर्न की पिच पर यही असमान उछाल सभी बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है। वैसे अगर मयंक आउट नहीं होते तो वो ऑस्ट्रेलिया में अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते। तो मयंक के आउट होने के साथ साथ पैट कमिंस के वो सारे 6 विकेट एक साथ आपको देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और हां, मयंक के लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।